ये देखिए पड्डा चल रहा है, ख्वाजा साहब लड़ने चले गए भाई अंदर। क्या कर रहे हैं ये? अड़े 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 भाई, ये तो सीरियस हो भाई, सीरियस हो गया ख्वाजा भाई, सीरियस हो गया भाई। मुझे भी लगा वाकई मजाक हो रहा है, मुझे कसम से लगा मजाक हो रहा है, लेकिन वो सीरियस था मामला। एम्पायर भी मानी भाई बने, मैं बताऊं। बोले तो बॉल करी और बहुत ही क्लासिकल शॉट जामिर भाई का, जिसकी वजह से हमारा मैच जो है वो 10 बजे करीम कैटल फार्म के साथ है क्वार्टर फाइनल। देखते हैं कौन जीतता है। 5 कौन आया है, पहले बॉल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे की मंडी में खुशामदीद दोस्तों। हम लोग 3 मैच जीत चुके हैं, ओ 3 में से 2 जीत चुके हैं, चौथा मैच हम लोग खेलने जा रहे हैं दुर्खान कैटल फार्म से, उसको कवर करेंगे और उम्मीद है जीत के आएंगे। बाकी इससे पहले क्या हुआ थोड़ा सा वो देखें, फिर यहां से कंटिन्यू करें ब्लॉग को। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। जुमानी गोट के खतरनाक खिलाड़ी लेकर आए हो तो मैं खतरनाक लेकर आया हूं, तुम भी तो खतरनाक हो। देखो भाई मैं कौन लेकर आया, ये भाई यार मैं नूरी कैटल के सपोर्ट में हूं, अगर वो बीफ बिरयानी आप भी फैसल भाई 3 में से 2 हार गए, 3 में से 2 हार गए, सही है भाई। तो ये है कि भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, क्वालिफाई कर गए आप, कल ही कर गए थे। अच्छा आप कितने जीते? 5 में से 4 मैच, तो आपने 1 पे क्वालिफाई किया, मतलब टॉप 1 पे, सही है भाई। हमारा ये सीन है कि हम लोग अभी 3 में से 2 जीते हैं भाई, जीत जाए हैं, सही है, देख लेना भाई। वही हमारी किट तो देखो भाई, ये हमारी किट है भाई नूरी कैटल वाली। अभी मैच चल रहा है सासी और ख्वाजा कैटल, मेरा आखिरी मैच ख्वाजा से। सासी से हम लोग हार चुके हैं, जो कि ये बाहर बैठे हुए, सिर्फ नाम सासी दिया है इन्होंने, कोच अच्छा है, फिर ठीक है भाई, इन्होंने नाम सासी दिया है। अच्छा बहुत आला भाई, ये करने बैठे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं यार। तुम लोग 2 में से 2 जीते हो, 2 में से 2 जीते हैं, अब ये तीसरा है, ये तीसरा मैच है भाई इनका, हमारे 3 हुए, हम 2 जीते हैं, हम लोग 2 जीते हैं। 2 किस किस से जीता हूँ मैं, एक गडाप बैट से जीता हूँ और एक पाइनियर कैटल फार्म को 7 भाई को भी हरा दिया भाई, सासी से हार गया था ये बता दिया मैंने। अभी मेरा मैच बाकी है ख्वाजा जो बॉलिंग टीम है और एक दुर्खान से बाकी है, देखें क्या बनती है तरतीब। हाँ भाई उसामा भाई, आप कितने मैच जीते हैं? हम जीते हैं 2 मैचेस। 2 मैच जीते हैं आप, और कितने हुए अभी तक? 3 हो गए हमारे। किससे हारे? हम एक हारे सेसी से। अच्छा आप भी उसी से हारे हैं, हम भी उसी से हारे हैं। अच्छा अगला हमारा है, हमारा अगला है, देखें अगले में क्या होता है, अल्लाह खैर करें भाई, कौन जीतता है। नूरी कैटल और दुर्खान कैटल का अगला मैच है भाई, बाकी ये मामला चल रहे हैं अभी इन लोगों के। रन आउट पे पड्डा हो चुका है और क्या कह रहे हो, माफ कर दिया तुमने, माफ कर दिया है भाई, कोच बोल रहा है माफ कर दिया हमने। और ये देखें पड्डा चल रहा है, ख्वाजा साहब लड़ने चले गए भाई अंदर के, रन आउट नहीं है और ये प्लेयर नहीं है। नहीं लेकिन रन आउट नहीं हुआ ना वो, चलो वो हक पे थे तो उन्होंने जीत गए भाई वो। नहीं नहीं भाई जो हो मैंने भाई मैंने कहा ये तो सीरियस हो गया मजाक मजाक में, तो मैंने कहा बंद ही कर दो भाई ब्लॉग, लेकिन उसके बाद मामला ये हुआ कि रन आउट नहीं दिया, तो इसलिए क्लियर हो गया मामला। मुझे भी लगा वाकई मजाक हो रहा है, मुझे कसम से लगा मजाक हो रहा है, लेकिन वो सीरियस था मामला। एम्पायर भी मानी भाई बने, मैं बताओ आउट भी मानी भाई ने दिया था। टॉस होने जा रहे हैं, टॉस देखते हैं कौन जीतता है। 5 कौन जीता है, पहले बॉल करेंगे भाई। अभी चल रहा है भोलू और आरबीएम का मैच, जो जीतेगी आगे जाएगी, जो हारेगी निकल जाएगी, ग्रुप ए की बात हो रही है। बाकी 3 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, कौन कौन सी, मेरे ख्याल में करीम और उसके अलावा दूसरे नंबर पे गई है माई कैटल और तीसरे पे कौन सी गई थी इनकी यार, तीसरे पे गई है ए जे तीसरे पे गई है और अब चौथा इनमें से डिसाइड होगा। बाकी हमारे ग्रुप से ये है कि मैं जीता हूँ 5 में से 3 मैच और आपका अपना 5 में से 3 जो हैं वो 2 टीमें और जीती हैं। अब देखना ये है कि कौन 2 पर आएगा, कौन 3 पर आएगा, कौन 4 पर आएगा। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर गए, अब देखना ये है कि कल क्या होता है, क्वार्टर फाइनल किससे पड़ता है हमारा। 2 ओवर में 16 रन बने थे और ये अब आप देखो, ओह बॉल यार, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं भाई।
भाई मजा आ रहा है इस टूर्नामेंट में, ऐसे टूर्नामेंट में सोचता होने चाहिए कमेंटेटर अच्छा है। अच्छा भाई सिम्बा क्या कितने में दे रहे हो सिम्बा है? मिनाज भाई, मिनाज भाई भी भाई खेल रहे हैं सिम्बा की ऑनर। तुम खरीदते हो तो मैं तुम्हें 25 में दूंगा। अच्छा उसको और किसी को डिस्काउंट दे दोगे? अच्छा मुझे भाई 25 में देंगे, क्या बात है भाई। लोग बड़ा पूछते हैं कि भाई साल कुर्बानी के लिए क्या हो रहा है, और कुछ लोगों का शक सिम्बा पे भी है, तो ये कुछ नहीं पता भाई, अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया। अपना ही है ना? है, वो तो भाई की अपना तो है, लेकिन अब देखें क्या बनती है तरतीब। बाकी मिनाज भाई आपने कोई खास कमाल किया नहीं क्रिकेट में? तो तुमने मुझे चांस ही नहीं दिया। अरे बस कर दो यार, मैंने चांस कब नहीं दिया आपको भाई। ये है कि अभी इंशाल्लाह ताला अब कल क्वार्टर फाइनल है, किससे पड़ता है ये देखना है अभी, इसलिए हम बैठे हैं। टिकट है 39 भाई, RBM ने टारगेट दिया भोलू को 39 का चार ओवर में। चलें भाई अब यह है कि इनका ये बैट्समैन बड़ा शानदार है भोलू का, और ये वन साइडेड इसने मैच जितवाया है जो जीते हैं ये लोग, तो अब यह है कि बस ये डिसाइडर है बेसिकली कि कौन आगे जाएगा, देखें क्या बनता है। अरे बॉल यार, कितने पे कितना रह गया भाई? ख़त्म हो गया तकरीबन। अच्छा भोलू जीत रहे? अच्छा भाई भोलू जीत रहे भाई ऑलमोस्ट भाई। अरे बॉलों पे 9 रन रह गए भाई खाली, और ये लड़का आप चेक करना भाई, ये देखो शॉट 4 हो गया भाई, 9/4 नहीं थी 9 बॉल। चलो 11 बॉलों पे 5 रन। चलो भाई भाई ये स्टेप की 9 बोल रहे थे, अब ब्लॉग में देखूंगा बाद में कि थी नहीं थी, आप लोग भी देखिए। शॉट जीत गए भाई, बोलू क्वालिफाई कर गया भाई ए ग्रुप से। ये देखो आप फैसल भाई भी यार ट्रॉफी के लिए जंग हो रही है भाई। असल भाई ये रनर अप की है भाई, ये रनर अप की है, ये विनर की है भाई। अच्छा ये जीते भी तो नहीं है, क्वालिफाई करने में ट्रॉफी सामने मंगवा के पिक्चर खिंचवा रहे हैं फैसल भाई। अरे यार फैसल भाई क्या हो गया, अभी तो ना क्वार्टर हुआ ना सेमी ना फाइनल भाई, ये भाई ये ट्रॉफी है भाई। मैंने कहा चलो ट्रॉफी भी आप लोगों को दिखाई दूँ भाई। पायनियर भी पहुँच गए हमारे ग्रुप से, और हमारी 4 टीमें पहुँच गई हैं टॉप 4। अब ये है कि किसके किससे मैचेस होने हैं क्वार्टर में। मोस्ट प्रोबेबली नूरी वर्सेस करीम होगा क्वार्टर फाइनल में, क्योंकि ये है कि वो ग्रुप टॉप की है, और हम लोग 3 जीते हैं हमारे ग्रुप से, 5 में से 3 इन्होंने भी जीते हैं, हमने भी जीते हैं, बल्कि इन्होंने 4 में से 3 जीते हैं, अभी एक मैच बाकी है इनका। और एक कौन सी हमारी टीम थी दुर्खान, उन्होंने भी जो है वो 3 मैच जीते हैं। तो हमारे पॉइंट्स टेबल पे होगा कि किसका रन रेट अच्छा था, मुझे लग रहा है कि देखना पड़ेगा अब ये कि हम लोग किस नंबर पर क्वालिफाई करते हैं, तो हमारा 3रा होगा या 4था होगा। पॉइंट्स तो सबके सेम है, पाइनियर अभी डिसाइड होगा। ये लोग अभी जीते हैं 4/4 सासी वाले, और ये जीते हैं 4 में से 3। अगर 7 भाई जीत जाते हैं तो 7 भाई के हो जाएंगे 4/5 में से, तो ये लोग फिर दूसरे पे आ जाएंगे। सही हो गया, मतलब पहले या दूसरे पे, फिर मेरा और दुर्खान में से देखना है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। तो ये रजिस्टर डिसाइड करेगा कि किसका रेट ऊपर है किसका नीचे। ऐसी है भाई, ये कब फाइनल होगा फिर, क्योंकि मेरे भी सेम पॉइंट है, दुर्खान के भी सेम पॉइंट है, अब देखना है कि ये इनके भी शायद सेम हो पाइनियर के अगर हार जाते हैं तो ये अब डिसाइड होगा कि टॉप 1 पे कौन 1, 2, 3 कौन आता है, या हम 3 हैं या 4 हैं, अब देखना ही है। 4 हुए तो इनसे मैच है, 3 हुए तो वो भी देखना पड़ेगा सामने कौन आती है क्वार्टर फाइनल। हाँ भाई जीतना है यार क्लब, बस हो गई। चले भाई आज के लिए इतना ही, ये लास्ट मैच है आज का, ये जो जीतता है वायरल इतना फ़र्क नहीं पड़ना, पॉइंट टेबल में ही फ़र्क पड़ेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। तो भाई अभी आया था घर पर, तो ये है सीन के हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको कहा था, मुझे लग रहा है कि पॉइंट्स तो हमारे और दुर्खान के सेम है, लेकिन ये है कि हम लोग लास्ट पे शायद क्वालिफाई करें। उसकी वजह ये थी कि हम लोगों का एक मैच हुआ आखिरी, टीम आई नहीं तो हम वो विन कर गए थे, तो उस वजह से हम लोगों के 9 पॉइंट ज़रूर थे, लेकिन ये था कि हम लोग ग्रुप बी से लास्ट में क्वालिफाई किए, जिसकी वजह से हमारा मैच जो है वो 10 बजे करीम कैटल फार्म के साथ है क्वार्टर फाइनल। अल्लाह पाक खैर के मामलात करें, क्योंकि भाई हमें इंडोर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लास्ट टाइम जब हमने इनके साथ खेला था 4-1 था, लेकिन इंशाल्लाह इस बार कोशिश करेंगे कि भाई जीत कर आएँ, और यह है कि सेमीफाइनल में जगह बनाएं। बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह ताला जैसा जो अल्लाह पाक ने लिखा हुआ होगा इंशाल्लाह वही होगा, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। आज थक भी बहुत गए, क्योंकि आज हमारे लगातार 5 मैच थे, तो अल्लाह पाक खैर के मामलात करें कल के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इस मैच की कवरेज करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मुझे क्रिकेट की वीडियोस बनाना सही से नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वो करूँ भाई। तो भाई ये 4 भाई क्वार्टर फाइनल्स हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।